खरगोन जिले के भिकन गांव का एक मामला सामने आया है, जिसमें शासकीय बालक माध्यमिक विद्यालय परिसर भिकन गांव में एक्सपायरी डेट की आयरन की भारी मात्रा में लगभग 30,000 सरकारी गोलियां मिली है, जिसे जलाने के प्रयास के अतिरिक्त स्कूल परिसर में जगह जगह बिखरी पड़ी थी, जिसे अगर किसी जानवर या बच्चे के खाने से बड़ा नुकसान हो सकता था। स्वास्थ्य विभाग को सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर आयरन की गोलियों को जब्त किया गया, मौके पर पंचनामा बनाया। प्रभारी हेडमास्टर रायमल ने बताया कि जब हम सुबह स्कूल पहुंचे, यह गोलियां यहां पड़ी थी, रात में किसी ने यहां लाकर फेंक दी। हमारे स्कूल में कोई भी गोलियां नहीं मिलती। जब हम स्कूल पहुंचे तब हॉस्पिटल की टीम यहां पहुंच चुकी थी। रात्रि में ही किसी ने उन्हें सूचना दे दी थी। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर जगदीश चंद्र देवड़ा ने बताया कि कुछ गोलियों के पत्तों को मौके पर किसी ने जलाने का प्रयास भी किया है, जिससे उसकी जहरीली गैस से बच्चे या जानवर को परेशानी हो सकती थी। यह पिंक आयरन फोलिक एसिड की गोलियां हैं, जो 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए दी जाती है। इसका उपयोग एनीमिया को खत्म करने के लिए किया जाता है। गोलियां स्कूल परिसर में फेंकी गई, कहां से आई, किसने फेंकी, यह जांच का विषय है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि इतनी भारी मात्रा में गोलियां वहां आई कहां से, पर यह जांच का विषय है। अगर इसमें कोई भी दोषी पाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। ये अपने यहाँ की टेबलेट नहीं है सर, ये आने बाहर से आने कोई रात में ला के फेंक गए। हमको तो मालूम नहीं, हमारे स्कूल में कोई टेबलेट नहीं आएगी। तो कब की घटना है सर ये? ये आज रात की है, और सुबह स्कूल आए तब आने ये हमको गोलियां गिरी हुई पड़ी हुई हमको देखी हुई। हमको आपने किसी को सूचना की सर? नहीं, सुबह से आए गए थे ना स्कूल आए, और फिर आने आए गए डॉक्टर भैया। शाम को रात में ही हमने कोई ने सूचना दे दी थी तो आ गए थे सुबह से डॉक्टर भैया। सर आपको क्या मालूम है कि ये गोलियों से क्या नुकसान हो सकता था? सर ये गोलियों बच्चों का अगर किसी हाथ में आ जाती है कहीं, तो वो तो एक्सपायर गोलियां थी, तो वो तो क्या नुकसान पहुंचाती बच्चों को। ठीक है, आपका नाम सर? स्पेशल रायमल बांडे। आपको एक सूचना मिली थी जिसमें भारी मात्रा में गोलियां बरामद हुई है, क्या है पूरा उसका मामला? देखिए, गांव के वरिष्ठजनों से जो ग्रुप के माध्यम से शिकायत मिली थी कि कुछ गोलियां है जो स्कूल ग्राउंड में पड़ी हुई है, तो वहाँ मौके पर जब मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया तो पाया गया था आयरन फोलिक एसिड की जो गोलियां थी, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग 2013 की थी और एक्सपायरी 2015 की थी, वो बहुत सी मात्रा में बिखरी पड़ी हुई थी। फिर मेरे द्वारा पंचनामा बना के उनको जब्त किया गया, तो नियमानुसार आगे कार्रवाई की जाएगी उसकी। सर अगर ये गोलियां अगर कोई भी बच्चा या कुछ भी जानवर खा सकते, इससे क्या परेशानी हो सकती थी? ये उनके लिए हानिकारक हो सकती थी, क्योंकि पहले गोली एक्सपायर भी थी, अगर कोई जो एक्सीडेंटली भी अगर खा जाता तो उसको जान का खतरा भी हो सकता था। सर क्या लिखते अपना नाम? डॉक्टर जगदीश त्रिपाठी। सर जैसे अगर इस संबंध में अगर पता लग जाता है कि किसके द्वारा किया गया काम, तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे आप? नियमानुसार जो भी कार्रवाई वरिष्ठ कार्यालय से प्रस्तावित होगी, जो नियमानुसार। ठीक है सर, आप पूरा नाम? डॉक्टर जगदीश त्रिपाठी।